हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में समझेंगे कि सी प्रोग्रामिंग में पॉइंटर्स क्या होता है और सीखेंगे कि कैसे आप अपने सी प्रोग्राम्स में पॉइंटर डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन और पॉइंटर रिलेटेड ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग में पॉइंटर्स एक ऐसा टॉपिक है जिसकी इंपॉर्टेंस आपको तब समझ में आती है जब आप रियल लाइफ में सी प्रोग्रामिंग की हेल्प से सिस्टम एप्लीकेशंस बनाते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम इत्यादि। सो डियर फ्रेंड्स, ये बात मैंने यहाँ इसलिए बताई है क्योंकि बिगनर प्रोग्रामर्स को शुरू में पॉइंटर्स का सिर्फ बेसिक सिखाया जाता है और इस वीडियो में हम सिर्फ पॉइंटर का बेसिक ही कवर करेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, माइसेल्फ रोहित एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन रोहित टेक स्टडीज चैनल। सो डियर फ्रेंड्स, यदि आप सभी सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। सो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉइंटर्स क्या होता है। सो डियर फ्रेंड्स, पॉइंटर एक विशेष प्रकार का वेरिएबल होता है जिसका उपयोग दूसरे वेरिएबल या ऑब्जेक्ट के एड्रेस को स्टोर करने के लिए किया जाता है। पॉइंटर वेरिएबल एड्रेस को प्रदर्शित करने का एक प्रकार है। डियर फ्रेंड्स, पॉइंटर से दो ऑपरेटर संबंधित होते हैं। नंबर वन, एम्परसेंड ऑपरेटर्स, जिसे हम एड्रेस ऑफ पढ़ते हैं, एंड नंबर टू, पॉइंटर ऑफ इंडायरेक्शन, जिसे हम वैल्यू ऑफ पढ़ते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, जब भी किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है तो वह मेमोरी में एक विशेष स्थान पर स्टोर होता है, जिसे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस कहा जाता है। सो डियर फ्रेंड्स, यह एड्रेस एक विशेष सिंबल से स्टार्ट होता है। जब भी हम किसी वेरिएबल को कॉल करते हैं या उसमें किसी वैल्यू को असाइन करते हैं तो कंपाइलर वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस से उसे एक्सेस करता है। सो डियर फ्रेंड्स, पॉइंटर के द्वारा वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को सीधे एक्सेस किया जाता है। एंड डियर फ्रेंड्स, पॉइंटर दूसरे डाटा टाइप की तरह ही एक डाटा टाइप है जो मेमोरी में खुद के लिए भी एक एड्रेस लेता है। सो डियर फ्रेंड्स, C++ में यूज होने वाले कुछ पॉइंटर वैल्यू कुछ इस प्रकार है। नंबर वन, पॉइंटर टू कैरेक्टर्स। नंबर टू, पॉइंटर टू इंटीजर। नंबर थ्री, पॉइंटर टू फ्लोट। नंबर फोर, पॉइंटर टू यूनियन। नंबर फाइव, पॉइंटर टू क्लास। नंबर सिक्स, पॉइंटर टू पॉइंटर। सो डियर फ्रेंड्स, किसी भी पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स कुछ इस प्रकार है। सो डियर फ्रेंड्स, चलिए आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। दिए गए एग्जांपल में हमने a नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका डाटा टाइप पॉइंटर टू इंटीजर है। मेमोरी में a के लिए एक स्पेस अलॉट किया जाएगा, न कि एक पॉइंटर a के लिए। सो डियर फ्रेंड्स, चलिए आइए समझते हैं एडवांटेज ऑफ यूजिंग पॉइंटर्स। सो डियर फ्रेंड्स, पॉइंटर्स मेमोरी की सीधी पहुंच प्रदान करते हैं एंड पॉइंटर्स फंक्शन को एक से अधिक मान वापस करने का एक तरीका प्रदान करते हैं। एंड पॉइंटर्स प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम को कम करता है एंड एरे के सभी एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए भी हम पॉइंटर का प्रयोग कर सकते हैं। एंड कॉलिंग फंक्शन और कॉल फंक्शन के बीच वैल्यू को भेजने के लिए भी पॉइंटर का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। एंड डियर फ्रेंड्स, पॉइंटर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज, पॉइंटर्स जटिल डेटा स्ट्रक्चर जैसे लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ आदि के निर्माण में हमारी मदद करते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज पॉइंटर्स। एंड डियर फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड हिट द बेल आइकन।